गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स। क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है ये, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूँ टर्म रिप्रोडक्शन की, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, राइट? इट इज़ ऑब्वियस दैट इन अर्लियर क्लासेज, इन क्लास 9, 10th, 11th, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी, एंड वी ऑल नो दैट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इट्स यंग वंस। यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, ईदर सेक्शुअली और असेक्शुअली, राइट? तो अब बात करते हैं हम कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। ऑल दो ये टर्म हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं क्लास 11th के अंदर, लेकिन फिर से मैं ज़रा इस टर्म के बारे में अभी बात करना चाहती हूँ। सो री मीन्स हेयर अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स हेयर टू प्रोड्यूस, यानी कि इट इज़ द मेथड जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म बार बार बन रहा है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बन रहा है, देन मर रहा है, देन अगेन बन रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होकर अडल्ट बनेगा, पेरेंट बनेगा, देन एक नए ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करेगा, देन वो ऑफस्प्रिंग दोबारा से मैच्योर होगा, इट मीन्स मैच्योर होगा, एंड देन अगेन वो एक नई जनरेशन को गिव राइज करेगा। तो इट इज़ द मेथड जिसके अंदर हम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को बनाते चले जाते हैं। सो द कन्वेंशनल डेफिनेशन, अगर मैं कन्वेंशनल डेफिनेशन की बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो कन्वेंशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो कहती है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यंग वंस of its own kind। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि ये एक ऐसी एबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें यंग वंस यानी कि नई जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स बनते जाते हैं ऑफ इट्स ओन काइंड। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है ओन काइंड। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते थे सिमिलर भी, कुछ बच्चे होते हैं जो ओन काइंड की जगह पर सिमिलर लिख देते हैं, बट देर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ओन काइंड एंड सिमिलर। तो इस चीज़ को हमें समझने के लिए हमें याद करना होगा कि हमने बाइनरी फ्यूजन पढ़ा है, राइट? वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अमीबा इन प्रीवियस क्लासेस। तो हमें पता है कि जो अमीबा है वो बाइनरी फ्यूजन का यूज़ करता है और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इफ़ आई ड्रॉ, सो दिस, इफ दिस इज़ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, देन द न्यूक्लियस विल डिवाइड एंड देन साइटोकाइनेसिस विल टेक्स प्लेस एंड टू डॉटर सेल्स विल प्रोड्यूस। तो अब हमें पता है ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, इट मीन्स ये एक दूसरे की एग्जैक्ट एकदम जेरोक्स कॉपीज होती हैं, एंड वी कैन नॉट एनालाइज रिकॉग्नाइज इजिली विच वन डॉटर, विच डॉटर सेल इज द विच वन, इट मीन्स कौन सा डॉटर सेल कौन सा है, राइट? तो ये जो मेथड होता है जिसके अंदर असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं देर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम सेल्स, एंड दैट इज़ वाई देर नोन एज क्लोन्स। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप सेम है, दिखने में एकदम एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अगर हम अपना ही एक एग्जांपल है ह्यूमंस का ही, तो हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, हम एग्जैक्ट उनकी कॉपी नहीं है। ऐसा हो सकता है हमारा कोई फीचर उनसे मैच खा जाए, लेकिन हम लोग उनकी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की, लाइक अगर उनका पास एक सर है तो हमारे पास भी एक सर है, उनके दो हाथ है तो हमारे पास भी दो हाथ है, उनके दो पैर है तो हमारे पास भी दो पैर हैं, उनके पास एलिमेंट्री कनाल है हमारे पास भी एलिमेंट्री कनाल है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस रिमेन्स द सेम, एंड दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड द वर्ड्स ओन काइंड इन द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड नॉट द सिमिलर और द क्लोज टर्म, राइट? क्योंकि रिप्रोडक्शन असेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों को कवर करता है, इसीलिए हमें कैसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना होगा जो वहाँ पर कंप्लीटली फिट बैठे। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ये एबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो सकता है अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल है, एंड दे कैन बी क्लोन्स इफ दे आर फॉलोइंग द असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल एंड असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी सुनी है कि असेक्शुअल एंड सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑल दो इसका एक और टाइप हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, इट मीन्स 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की थी, और इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हमने चैप्टर 3 के अंदर इसको कवर किया था, जहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स फ्रेगमेंटेशन मेथड का यूज़ करते थे एक नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। लेकिन क्लास 12th के अंदर
इस फ्रैगमेंटेशन को, या अगर मैं बात करूँ इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली असेक्शुअल और सेक्शुअल के डिफरेंस की बात करते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स अ चैप्टर जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करना है, राइट। सो आई एम